अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन खालिद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल मार्केट रावल पिंडी में और आज मेरे साथ इरफान भी मौजूद है और हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कमर्शियल मार्केट को। तो कमर्शियल मार्केट जो है वो रावल पिंडी की एक काफ़ी बड़ी मार्केट है और जैसे कि सदर है, राजा बाज़ार है और कमर्शियल मार्केट है। तो आज हम लोग जो हैं रावलपिंडी की जो है इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी आप मेरे सामने लोगों का एक रश देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है वो एक अलजन्नत मॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक पूरे कपड़ों की मार्केट है। उसके अलावा आगे मुझे जो है वो मार्केट जो नज़र आ रही है वो है फ़ोन्स की, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर मुझे ट्राईपॉड्स और रिंग लाइट्स नज़र आ रही हैं। अभी वहाँ पर जाते हैं और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और मेरे साथ है इरफान। यू कैन सी, अच्छा मैं खुद भी आज कर रहा हूँ, हसन का फैन हो गया। ये जो मार्केट है ना, ये फोन की मार्केट है और सीडीज़ की मार्केट है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग बचपन में जो है ना यहाँ पर सीडीज़ लेने के लिए आते होते थे। वो एक दौर होता था अलग, सीडीज़ का दौर होता था। अब तो दौर जो है फोन का दौर आ चुका है, सारी गेम्स जो हैं वो अब ज़्यादातर जो टाइम है आपका फ़ोन पे ही गुजरता है। लेकिन वो एक बिल्कुल एक स्पेसिफ़िक टाइम था, बिल्कुल अलग एक दौर था कंप्यूटर्स का, जिनमें सीडीज़ वगैरह डलती होती थी और वो गेम्स हम लोग खेलते होते थे। तो ये थी मार्केट फोन्स की। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, आप लोग मेरे लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं शर्ट्स के, ट्राउज़र्स के, ज़्यादातर जो शर्ट्स हैं। उसके अलावा वहाँ पे उससे आगे आप चले जाते हो तो वहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं ज़्यादातर और कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं। छोटी सी गली है ये, आज मैं खुद भी जो है ना पहली बार एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बड़ी इज्जत है इस गली से। हाँ। मैं बहुत दफ़ा आया उस गली में। क्यों, इसकी गली में तुम्हारा क्या था भाई? पहले तो यहाँ गोश्त वाले बैठे थे, चमड़ी का बड़ा कारोबार है। अच्छा, ठीक है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका यार। यहाँ ये देखो टैटू भी करो, ये देखो। ओ ये टैटू शॉप है, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये टैटू लिखा हुआ है यार भाई? हाँ जी, अस्सलाम, कैसे बनाया भी है? ओके, क्या ये परमानेंट है? ये टेंपरेरी होता है, ये टेंपरेरी है, लेकिन ये से परमानेंट हम बनाते हैं। अच्छा, परमानेंट भी बनाते हैं। अच्छा नाइस। तो परमानेंट की क्या चार्जेस हैं? परमानेंट यार वैसे हम प्रॉपर नहीं बनाते, वो लड़का रखा होता है, वैसे तो हम लोग परमानेंट साफ तो मना करते हैं, साफ से बात। ये दिन में बनाने लगे हम, रिमूव वाले ज्यादा आते हैं भाई, रिमूव करवाना है, जोश में बनवा लेते हैं। दो बनाने वाले थे, आठ रिमूव वाले। अच्छा ठीक है, ये टेंपरेरी जो है ना 5-7 दिन 10 दिन का होता है, शॉप पूरा हो जाता है। ओके राइट, ठीक है। हाउ मच कितने में? ये 300 से लेकर जो है 700 तक होता है, लेकिन किसी जैसे इमरान खान का ये 1000 का बनेगा। मैंने जमाते से लेकर बोल दिया फिलहाल आगे आगे कोई गारंटी नहीं है। मैंने इनको वैसे मछुरा दिया था कि 2500 आप रेट रखें, इतना लगा। और अगर नवाज शरीफ को बना लो वो फ्री में भी नहीं बनवाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो उसके मुंह का साइज भी बहुत बड़ा है। अच्छा। सर पे बाल नहीं है, तो जब बाल नहीं है तो काला ही नहीं आएगा ना। हाँ ये है। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए लंबा चाहिए। ये मैंने भी पहली बार मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक टैटू शॉप भी है। ये इसको डाल, अच्छे से तुम्हें आवाज दी इसने। अस्सलाम वालेकुम, ये पूरी मार्केट में मैंने सिर्फ एक पाए वाली दुकान देखी। ये सबसे पुराना बंदा है यहाँ पे, बाकी ये सब न्यू है, ये सबसे पुराना बंदा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं मेन रोड के ऊपर, मेन कमर्शियल मार्केट पे। ये आप मेरे पीछे पार्क देख सकते हैं, बड़े ज्यादा लोगों को ये पार्क याद होगा। तो कोरोना से पहले यहाँ पे ना राइड्स लगी होती थी झूले पे, वो अब इन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। जिन लोगों को पता है उन लोगों को याद होगा। अब ये एक सिंपल पार्क है और इसके अलावा यहाँ पे जो है पार्किंग बन चुकी हुई है। अब भाई से बात करो, आपका क्या रेट है? ये 450 रुपये का। 450 रुपये का? 450। ये वाला ये सारा पड़ा है ना, गुंजाइश करके कितना हो जाएगा? 400 का भाई। ये लोग डिमांड कर रहे काम। हम लोग अभी खड़े हुए हैं ये शाहीन केमिस्ट के सामने। चश्मा किस है? ये मुख्तलिफ है ना। अच्छा, ये आपके? आप हाजी साहब बताओ ना, चश्मा किस है? बस मना सब करने का, कुछ पसंद कर, सब मुख्तलिफ एंजॉय वाले चीज, मुख्तलिफ मुख्य सूट करेगा। मुझे ये पसंद आया, ये देखो आप, मैं चश्मा उतार कर दिखाता हूं। यार वाकई में अच्छा लग रहा है ना। ये हाजी साहब किस तरह जी प्यारे भाई? अच्छा, ये किस तरह लाला? शीशा, शीशा, वो
या बिल्कुल यूनिक किस्म का जो है चश्मा। देखो मैं कितना फोटोजेनिक हूँ, ये तो आप लोगों को पहले सिखाया था, जो चीज़ मैं उठाता हूँ अच्छी लगती है। तो 350 इसने हमें रेट बताया, आप कम करा के ना ये तकरीबन 200 तक आ ही जाएगा मेरे अंदाजे के। 200 नहीं, मैं इसका दूंगा 50 रुपये। 150 भी आ जाएगा, आप अगर बहुत ज़्यादा जिद करोगे ना 150 भी आ जाएगा। नहीं 100 रुपये देंगे फाइनल 100। वैसे वो जो लाल वाला चश्मा था ना उसके तुम्हें 50 रुपये देने ही बनते थे, है ना, वो इतना छोटा था, इतना छोटा सा चश्मा था। और कौन सा वो ब्रांडेड था? अब भी हम लोग आ गए हैं, किसी पता नहीं ये बंद कर दिया, ये तो किधर ले आओ, ये चाचा गली आगे खुली है। ओके तो हम लोग आ चुके हैं गली में, आती है कोई स्कूल है यहाँ पे, इरफान आता होता था बचपन यार, इरफान जो है बचपन में आता होता था, मुझे इसने बताया अभी। तो जिधर से गए थे उधर ही निकल आए हम लोग, जिधर से गए थे हम उधर ही वापस निकल आए। नहीं हम लोग असल में गए थे उस गली से, वो शाहीन के सामने वाले से, एक गोल घूम के हम लोग इधर वापस मस्जिद के सामने निकल आए। यहाँ पे सारी टेलर्स की शॉप है और हम लोग निकल आए हैं ये अलजन्नत मॉल के सामने। ये अलजन्नत मॉल है, वहाँ पे गली है, वो है अलजजीरा, ठीक है, उसको मैंने काफ़ी बार विज़िट किया। तो उसकी जो है वो बिरयानी काफ़ी मशहूर है और हलीम चावल काफ़ी मशहूर है, वो मेरे सामने आप देखिए। तो यहाँ पे मेरे वॉचेस वाले बैठे हुए आए, इनसे जाके ना थोड़ी रेट शेट पूछते हैं। ये मेरे भाई को मिल जाएगा 1600 का। ये क्या हो गया खान साहब? ये टोपी का, वो तो है पता है मुझे, लेकिन ये वो ओरिजिनल थोड़ी है। ये ओरिजिनल होता है, ठीक है, ये चाइना का ब्रांड है, चाइना का ब्रांड में ये ओरिजिनल है, ठीक है। दूसरी बात ये हमारे पास है, ये काफ़ी है रेप्लिका है, अच्छा, ठीक है। इसमें ये भी स्पोर्ट्स वॉच है, ये 650 की है। 650 जी। और हम लोग आ चुके हैं आइस टेक पे, ये यहाँ का तकरीबन कह लो कि सबसे पुराना जो है। ये तो हसन, ये तो वही है 140 ही है, 50-60 वाले ज़माने ख़त्म हो गए यार, 50-60 वाले तुम्हारे ज़माने थे ना, 50-60 वाले में कुछ गरीब बंदे कौन पूछता है यार, ये भी अब देखे ना यार। अच्छा ये जो जगह है ना, ये सबसे ज़्यादा मशहूर है कमर्शियल मार्केट में, ये है रिफ्रेशमेंट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको सुबह के टाइम का नाश्ता जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। और ये जो अगर आप मेरे सामने गली देखते हैं ना, यहाँ पे है एक नवाज पान शॉप जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिनका पान जो है वो मस्ट आपने ट्राई करना है, या अगर आपको पान खाने का शौक़ है तो यू कैन ट्राई द नवाज पान शॉप। तो भाई साहब यहाँ पे रश बड़ा ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा जेब कुतरों से बच के रहना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के तुम लोग गुजरोगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर द ब्लॉग, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर से मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।